नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने दिवाली पे जो कपड़े पहने थे, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे कि दीदी कहाँ से लिया है। लेकिन मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं बताया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं कोई भी कपड़ा जब ऑनलाइन लेती हूँ तो पहले उसको पहन के उसको वॉश करके एक दो बार तभी आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप लो तो आपको वो वर्थफुल लगे पैसे आपने जो खर्च किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ, मैंने दिवाली के दिन में ये वाला पहना था। ये मैंने कभी एक दो वीडियो में आपने मेरे देखा होगा, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है मतलब। ये लिबास ब्रांड का है और साइज़ मैंने L ली थी। जैसा कि आपको मैंने बार बार कहा है कि मुझे M आता है, बट मैं L इसलिए लेती हूँ कि मुझे थोड़े लूज़ कपड़े होते हैं तो कंफर्टेबल रहता है और बाद में अगर वो वॉश करने के बाद श्रिंक भी हो जाए तो फिटिंग अच्छी आती है। ये तो लूज़ हो रहा है तो फिर टक्स डलवा लो या फिर थोड़ा सा साइड में फिटिंग करवा लो, बट छोटा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपनी साइज़ से हमेशा एक साइज़ बढ़ा लिया करिए। तो कलर इसका बहुत अच्छा था इसलिए मैंने ले लिया, और इस पर गोल्डन जो आजकल फॉइल वाले प्रिंट बने हैं वो बने थे, 3/4 बाजू थी, बहुत अच्छा है। बट इसके साथ एक पैंट भी आया है, सिर्फ पैंट है और ये है, और ये मुझे मिला था 1800 में, आई थिंक 2-3 महीने हो गए 1800 मैंने लिया था, अभी भी अवेलेबल है। अभी साथ इसके साथ मास्क भी आ गया है, लेकिन मैं इसको एकदम आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इससे बहुत कलर निकला है। और उसके बाद कलर निकलने के बाद क्या हुआ है, जो ये गोल्डन कलर है ना, इस पर ये ब्लू कलर चढ़ गया है। तो ये इसका पूरा जो मतलब अभी वीडियो में आपको नहीं दिखे लेकिन बहुत ज़्यादा कलर निकलता है, तो आप इसको तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं लिबास के मैक्सिमम कपड़े मैं लिबास के पहनती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जो आप देखते हैं मेरे वीडियो में, मैं मिंत्रा से ही मैक्सिमम कपड़े मंगाती हूँ, पहनती हूँ, वहाँ के क्लॉथिंग जो ब्रांड है उनके बहुत मुझे पसंद आते हैं। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी से कलर निकला है, कंफर्टेबल बहुत है, कलर भी ऐसा है कि पहनने के बाद बहुत अच्छा लगा, बट 1800 रुपये में कलर इसका निकल गया वो मुझे नहीं पसंद आया। तो ये तो मैं एकदम आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, तो इसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद जो दिवाली की शाम को पूजा के टाइम पे मैंने पहना था वो ये है, ये ऊपर का है शग या फिर जो भी जैकेट आजकल आप बोल सकते हैं चला है, प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक इनर है ऐसा, और ये रस्ट जो रस्टी ब्राउन या रस्ट ब्राउन जिसे कहते हैं वो है, ऑरेंज कलर नहीं है ये, वीडियो में ऑरेंज कलर आता है। और नीचे एक स्लीवलेस ऐसे इनर दिया है और ऊपर जो है ऐसे जैकेट दिया है या शर्ट जो भी बोल सकते हैं आप, बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, प्योर कॉटन है। जो ये फॉयल प्रिंट यहाँ पे दी हुई है इससे थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक भी आता है। और ये मुझे मिला था 2100 रुपये में, लेकिन अभी मिंत्रा पे ये 1500 रुपये में अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और ये विशुद्ध ब्रांड का है, ब्रांड एक बार मैं देख लूँ फिर से, हाँ ये विशुद्ध ब्रांड का है और बहुत कंफर्टेबल है। मैं दिवाली को शाम से पहन के रात तक इसको पहन ही रही, और मुझे तो मतलब लगा ही नहीं कि हाँ फंक्शन के लिए मैंने कपड़ा पहना है, बहुत अच्छा है। तो मैं इसको हाईली आपको रिकमेंड करूँगी, अगर अभी शादियों का सीज़न है तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसी चीज़ें वीडियोज़ भी लाती रहूँ जो आप लोगों के लिए थोड़ी शादी में हेल्पफुल हो जाए। तो ये आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है, प्राइस वाइज बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है और डबल लेयर है, तो ठंड में आप क्या कर सकते हो कि अंदर इनर पहन लो और उसके ऊपर ये इनर पहन लो, मतलब इनर से मेरा मतलब जो ठंड वाले वो वार्म इनर आते हैं वो पहन लो, उसके ऊपर ये पहन लो, फ्री है बस, कंफर्टेबल। तो मेरे हिसाब से ये एकदम वर्थफुल है, बट वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। तो ये रही आज की वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।